बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को बीते दिन एक थ्रेट ईमेल आया जिसमें लिखा हुआ था कि अगर सलमान को बात खत्म करनी है तो उन्हें गोल्डी भाई से फेस टू फेस बात करनी होगी। ईमेल में लिखा था, अभी तो वक्त है, बाद में अंजाम अच्छा नहीं होगा। इसके साथ साथ लॉरेंस बिश्नोई ने भी मीडिया चैनल को इंटरव्यू देते हुए ये कह दिया कि मेरी जिंदगी का मकसद ही सलमान खान को मारना है। इसके बाद से ही सलमान खान की सिक्योरिटी के लिए मुंबई पुलिस ने हर जरूरी कदम उठाया है। आपको बता दें कि सलमान खान के घर के हर कोने में सीसीटीवी कैमराज लगवाए गए हैं। इसके अलावा बीते साल सलमान खान ने 1.5 करोड़ की बुलेट प्रूफ गाड़ी खरीदी थी। सलमान खान की गाड़ी में उनका लाइसेंस्ड हथियार भी रहता है। इतना ही नहीं, सलमान को सरकार की ओर से वाई प्लस सिक्योरिटी दी गई है। वाई प्लस कैटेगरी सिक्योरिटी में 5 CRPF कमांडोज, 4 पुलिस कांस्टेबल हमेशा घर के बाहर मौजूद रहते हैं। साथ ही साथ 6 सिक्योरिटी ऑफिसर्स 3 अलग अलग शिफ्ट्स में 24 घंटे सलमान के साथ रहते हैं। इन सब के साथ साथ सलमान खान के पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड शेरा की सिक्योरिटी टीम भी सलमान के साथ साय की तरह रहती है। जी हां, 11 पुलिस ऑफिसर्स और शेरा की सिक्योरिटी टीम, बुलेट प्रूफ जैकेट और लाइसेंस्ड हथियार भी रहता है। फाइनल कट, न्यूज डेस्क।